नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। जिला मुंगेली में विगत 4 वर्षों से आपसी सामंजस्य न बन पाने के कारण एक परिवार की विवाह विच्छेद होने के कगार पर था, जिसे शरगांव पुलिस ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए फिर से पुनः नई दंपति जीवन बिताने का सराहनीय कदम उठाया है। ये पूरा मामला शरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दरवन कापा का है, जहाँ सुनील कोसले की शादी विगत 4 वर्ष पहले भाटापारा जिला बलौदा बाजार निवासरत लोकेश्वरी से हुई थी। कुछ दिन से ही चले और एक बच्चा भी हुआ, वहीं फिर से रिश्ते में दरार पड़ने लगे और सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण परिवार अलग होकर अपनी अपनी व्यथा को लेकर परिवार परामर्श केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किए थे, जहां उभय पक्षों के मध्य आपसी सुलह नहीं हो पाया था, जिसे सरगांव थाना प्रभारी केसर पराग बंजारा ने वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसे व्यस्त ड्यूटी से समय निकालकर व्यक्तिगत सामाजिक पुलिसिंग के तहत रुचि लेते हुए दोनों पक्षों को तलब कर काउंसलिंग किया गया, जहां सामाजिक एवं पारिवारिक समझाइश देने पर आपसी संवादहीनता निर्मित अपनी अपनी भूल स्वीकार कर फिर सुखमय दंपत्य जीवन निर्वाहन सहमत हुए। इस तरह पुलिस रचनात्मक कार्य में कृष्ण कुमार टंडन, राजेश बंजारे, सुनील खंडे सहित सरगांव पुलिस की फिर एक सराहनीय कदम पर बिखरे परिवार एक हुए। छत्तीसगढ़ जिला मुंगेली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24। थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला है ये। वहाँ की महिला लोकेश्वरी कोसले, इनका विवाह दरवन कापा निवासी सुनील कोसले से हुआ था। विवाह को काफ़ी वर्ष बीत गया था और महिला आके बताई कि सर, मैं विगत 4 वर्षों से अपने पति को छोड़ करके मायके में रह रही हूँ। मेरा पति मेरे को नहीं ले आता है, ले आना नहीं चाहता है, इसलिए मेरे को मजबूरन मायके में रहना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में मैं उनके साथ जाने के लिए एग्री, लेकिन मेरे पति नहीं ले जाना चाहते हैं, आप बुला के समझाइए करके। उसका जो पति है दरवन कापा निवासी सुनील कोसले, उनको और उनके परिजनों को थाना परिसर में बुला करके समझाइश दिया गया। काफ़ी समझाने के बाद वो अपनी पत्नी को और एक छोटा बच्चा भी था उनके साथ में, वो उसको रखने के लिए तैयार हुआ। और इनका पूर्व में इस मामले को लेकर के मुंगेली में परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग चल रहा था, जिसमें एक काउंसलिंग में वो साथ नहीं ले जाना बताया था। उसके बाद जब ये बातें मालूम चली और लॉकडाउन का समय है और लगातार इतना जो चीज़ें होते आ रही है कंटिन्यू, तो इसमें मेरे को लगा कि व्यक्तिगत पहल करना चाहिए इस मामले में और एक बार बुला के यदि शायद पुलिस के प्रयास से हमको वो बिखरा हुआ जो परिवार है साथ रहने के लिए तैयार हो जाए तो अच्छी बात होगी। इस दिशा में हमने आगे काम किया और बुलाया, दोनों परिवार को बुला के समझाया। लड़की के साथ उसका भाई आया था, तो यहाँ थाना परिसर से ही खुशी खुशी वो अपने पत्नी और बच्चे को ले जाने के लिए सहमति व्यक्त किया और यहाँ से लेकर अपने साथ में ले गया। नाम सुनील कुमार, मेरा पत्नी 4 साल से अपने मायके और हो गई थी उसको, और आज थाना के सूचना से मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया और मेरा पत्नी को सौंपा गया। केसर पराग का धन्यवाद करता हूँ, जो जैन आई साहब आए हैं हमारे, उसका दिल धन्यवाद। देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24, सबकी बात सबके साथ।